बाबा फरीद नगर में बनने वाले आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बीते दिनों इसी स्थान पर स्थानीय निवासियों द्वारा इस मैदान से रास्ता देने की बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जो अब थम चुका है, जिससे स्कूल के निर्माण कार्य में काफी तेजी आई है। बाबा फरीद नगर के मैदान में बन रहे इस आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के निर्माण के समय नगर पालिक निगम भिलाई की टीम को काफी विवादों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यहां के स्थानीय निवासियों ने इस मैदान के बीच से आने जाने के लिए रास्ते की मांग की थी और स्कूल के निर्माण के लिए खोदी गई नींव को भी पाट दिया था। परंतु जब स्थानीय निवासियों को इस बात का पता चला कि यहां अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जा रहा है, जिससे उनके बच्चों को एक नया भविष्य मिल पाएगा, तब जाकर यहां का विवाद थम गया और अब नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा काफी तेज गति से इस स्कूल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यकीनन इस स्कूल के बन जाने से स्थानीय निवासियों के अलावा आसपास के क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा और बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा भी उपलब्ध हो पाएगी। अंग्रेजी भाषा को पूरे विश्व की भाषा कही जाती है, जिसका ज्ञान होने पर ही कोई भी अपने देश के अलावा अन्य देशों का रुख भी कर सकता है और वहां जाकर इस भाषा के माध्यम से अपना कार्य व्यापार दोनों ही आसानी से कर पाते हैं। दोस्तों, ये फरीदनगर का वही ग्राउंड है जहां पर आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जा रहा है। इस स्कूल को लेकर के, इस ग्राउंड को लेकर के बहुत सारे दिक्कतें यहां पर सामने आई थी। यहां के जो मूल निवासी हैं इस रोड के बीच से एक रास्ता मांग रहे थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। यहाँ के लोगों को भी अब इस स्कूल बनने से कोई दिक्कत नहीं है। शायद यहाँ के रहवासी यह समझ चुके हैं कि यह जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बन रहा है, यह उनके बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी अहम होगा और निर्माण कार्य भी नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा बहुत ही जोर शोर से कराया जा रहा है। देखना होगा कि यह स्कूल कब तक बन करके तैयार हो जाता है और कब इसका लाभ यहाँ के रहवासियों को मिलना शुरू होगा। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए मैं हूँ संतोष शर्मा।